हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोविड वैक्सीनेशन रजिस्टर कैसे करें। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी कोविड का जो भी वैक्सीन वगैरह हमको लेना है तो पहले आपको प्री रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आपको वैक्सीनेशन मिल सकता है। तो उसके लिए आपको जाना है गूगल पे जाके registration.covid.gov.in पे जाना है। तो जैसे जाएंगे इस तरह का आपको वेबसाइट खुलेगा, इसके ऊपर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। जी हाँ दोस्तों, आपके 10 डिजिट का जो भी मोबाइल नंबर होगा जो आपके पास रहता है, उस मोबाइल नंबर को आपको एंटर करके यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप गेट OTP के पे क्लिक कर देंगे तो जो भी नंबर रहेगा OTP, वो आपके जो नंबर आपने टाइप किया उसी नंबर पे एक OTP सेंड हो जाएगा। उसी OTP को आपको यहाँ पे इनपुट कर देना है। जैसे इनपुट कर देंगे आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देना। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 मेंबर तक आप आपके फैमिली के रजिस्टर कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पे देखिए फ़ोटो ID प्रूफ पूछ रहा है, मतलब कौन सा ID आप यहाँ पे देना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करके मैंने सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट कर दिया। आधार कार्ड नंबर और मेरा फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इनपुट कर दी। उसके बाद आपको बुक अपॉइंट शेड्यूल माय अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च बाय पिन, मतलब आपका जो भी नियरर एरिया का पिन कोड रहेगा आप वो पिन कोड डाल सकते हो। जैसे आप वो पिन कोड डाल देंगे ना, आपके नियरर जो भी हॉस्पिटल रहेंगे उस लोकेशन में, वो सारे हॉस्पिटल यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे कोड इनपुट कर देता हूँ। जैसे इनपुट कर दिया, वो नियरर सारे हॉस्पिटल यहाँ पे विजिबल हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए 45+, यहाँ पे 45+ एज वाले कैटेगरी के सारे बुक्ड यहाँ पे दिखा रहा है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, यही एक और पिन कोड डाल के। देखिए यहाँ पे एक पिन कोड डाल दे रहा हूँ मैं। पिन कोड डाल के आपको सिर्फ सर्च कर देना जो भी नियरर हॉस्पिटल। देखिए यहाँ पे 45+, ऊपर डेट्स वगैरह लिखा है, आप डेट आगे पीछे करके देख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल अभी सारे डेट्स का वो फुल्ली बुकड है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे बुक नहीं कर पाओगे, तो आपको डेली रेगुलरली चेक करते जाना है। जब भी अवेलेबल दिखाएगा आपको यहाँ पे शेड्यूल कर देना। और उसी के साथ आप सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट, मतलब जैसे आप महाराष्ट्र सेलेक्ट करोगे उसके अंदर जो भी मेट्रोलाइट सिटीज़ है वहाँ पे जो वैक्सीनेशन मिल रहा है आपको, तो सिटी वाइज भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद आपको डेट वाइज सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे भी आपको अवेलेबिलिटी दिखाएगी वहाँ पे आपको क्लिक करके आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आने वाले नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।